सब अच्छे से होंगे। देखो यहाँ पर मार्केट में हमें डंप देखने के लिए मिला है, ठीक है। जो BTC का प्राइस था, जो कल तक $50,000 पे था, वो अब नीचे आ गया है आपका 45 पर। और मार्केट में अब क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है ओपन, तो यार मैंने आपको पहले भी मैंने वॉर्न करा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक डंप देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको मैं ये बताता हूँ। देखो अगर आप पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी होल्डिंग अच्छे कॉइन में, फॉर एग्जांपल कल मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मेरी 1 इंच में है, EOS में, भाई ऐसे कॉइन है जो कि मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो सबसे पहले ये कॉइन बूस्ट करेंगे, तो इनको तो आप होल्ड करके रख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था अपने हिसाब से 5% के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं लगाया, आपने ये गलती कर दी है मार्केट में, जो कि हर एक नया बंदा करता है मार्केट में, तो आप उसे होल्डिंग दिखाइए। अब BTC का आप क्या करेंगे, अगर आपके पास स्पेयर फंड है, अगर आप पहले ही सेफ हो गए थे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो और आपने पहले ही देख लिया था कि यहाँ से डंप आ सकता है और USDT में आप आ गए थे, तो आप अब क्या कर सकते हो। देखो इथीरियम, पहली बात करूँ मैं इथीरियम की, इथीरियम को आप एक्लोमेट कर लो 3200 से लेके 3000 से लेके 2800 के बीच में, जितने इस रेंज में मिले ना इथीरियम पकड़ लो। क्योंकि अब क्या होगा इथीरियम में, यहाँ पर इथीरियम में जैसे अगर बाइंग आएगी तो इथीरियम की मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट कैप, वो बढ़ रही है, बढ़ेगी और, ठीक है। तो इथीरियम जो है, जो प्रेडिक्शन है वो $10,000 तक है, यानी कि यहाँ पर हमारा 3x तक इन्वेस्ट का रिटर्न मिल सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो। बिटकॉइन को आप होल्ड करिए कहाँ तक, लगभग आप वेट करिए कि 40,000, 42,000, 43,000 पर आए, वहाँ पर आप बिटकॉइन को और एक्यूमेट करिए। क्यों? क्योंकि ये इन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इन लॉन्ग टर्म आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट दे देगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी जो एक बाइंग है 42 के पास बनाइए, ठीक है। 42 के बनाने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाइंग ओपन रखिए, ठीक है, बाइंग अपनी पोजीशन ओपन रखिए, और मार्केट वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी कर सकता है। 42,500 का गैप BTC में चलता है, तो ये आप कर सकते हो इस वक्त मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी आपकी कोई भी क्वायरी है किसी भी कॉइन को लेकर, तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी वो क्वायरी लेने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।